एक्सरसाइज 9.3, इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। बाकी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक घंटे पश्चात कितना होती है? दुगनी। मतलब अगर मान लो अभी 10 है तो फिर कितना जाएगा? 20। फिर एक घंटे बाद 40, फिर एक घंटे बाद 80, फिर एक घंटे बाद 60। मतलब हर घंटे जो है क्या जाता है, वो दुगुना हो जाता है। कह रहे कि यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया उपस्थित हैं? 30 बैक्टीरिया। तो कह रहे कि बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और एनबे घंटे बाद क्या होगी? सिंपली क्वेश्चन दे रखा है, इसका प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर दे रखा है 30, सार्वभौम अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है? आर बराबर 2, क्योंकि हर घंटे बाद कितना जाता है? दुगनी हो जाती है ना, तो आर कितना जाएगा? 2। देखो यहाँ पे इसका अनुपात 2, इसका अनुपात 2, इसका अनुपात 2, इसका अनुपात 2, सार्वभौम अनुपात कितना जाएगा इसका? 2। कह रहे हैं कि इसका 2 घंटे बाद, मतलब दूसरे पे घंटे, चौथे घंटे और एनबे घंटे में बैक्टीरियाओं की संख्या बताना है, ठीक ना? तो एनबे घंटे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एनबे घंटे में, एनबे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या, देखो किस श्रेणी में दे रखा है? गुणोत्तर श्रेणी दे रखा है, ठीक ना? गुणोत्तर श्रेणी में ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए आर की घात एन माइनस 1, ठीक ना? तो देखो ए का वैल्यू कितना? 30, और आर का वैल्यू कितना? 2 गुणा 2 एन की घात, सॉरी 2 की घात एन माइनस 1, ठीक ना? तो ए एन हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1, ठीक। हमसे इसमें किस पूछ रहे हैं? दूसरे और चौथे घंटे में, तो दूसरे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या देखो कितना जाएगा? ए टू, दूसरे घंटे की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे एन बराबर कितना रख देंगे? 2। तो ए टू बराबर 30 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 30 इंटू 2 इक्वल टू कितना जाएगा? 60। मतलब 2 घंटे में कितना जाएगा? वो 60 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद पूछा हमसे चौथे घंटे में, ठीक ना? चौथे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या, एन बराबर कितना रख देंगे इसमें? 4, क्योंकि चौथे घंटे की बात कर रहे हैं, तो एन कितना जाएगा? 4। तो ए फोर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2 की घात 4 माइनस 1, तो 2 की घात 4 माइनस 1 कितना? 3। 2 की घात 3 कितना जाता है? 8। तो 8 24 240। मतलब चौथे घंटे में कितना जाएगा बैक्टीरिया? 240 हो जाएगा, एनवे घंटे में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि 500 रुपये धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? गेट कीजिए, क्या कह रहे हैं कि 500 रुपये धनराशि, 500 रुपये की धनराशि है, ठीक ना? 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर, ठीक ना, 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? कैसे निकालेंगे? हैं? क्या हो जाएगी? तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है? बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1+100 की घात समय, दर बटे 100 की घात क्या जाएगा? समय। तो कह रहे कि 10 वर्षों बाद कितना हो जाएगा? कितने वर्ष बाद निकालना है? 10 वर्ष के बाद निकालना है, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे ये दे रखा है तुम्हारा 500 रुपये धनराशि दे रखा है,
तो ए का वैल्यू कितना जाएगा, 500 रुपये जाएगा मूलधन ए, गुणवत्ता श्रेणी के स्तंभ में देखते हैं ठीक ना। इसका दर कितना दे रखा है 10%, आर बराबर कितना जाएगा 10, या कितने वर्षों की बात कर रहा है 10 वर्ष, तो एन कितना जाएगा 10, निकाल दोगे आगे ठीक है जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रम से कितना है 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे कि मान लेते द्विघात समीकरण के मूल क्या है, द्विघात समीकरण के मूल मान लेते क्या है, अल्फा और बीटा है, कह दे रखा है अल्फा और बीटा। अब कह रहे कि अल्फा और बीटा का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा है ठीक है ना, अल्फा व बीटा का समांतर माध्य कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बटे 2 और समांतर माध्य दे रखा है इसका 8, तो 8 बराबर अल्फा प्लस बीटा बटे 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो क्या जाए अल्फा प्लस बीटा बराबर 16, यह जो है समीकरण नंबर 1। और अल्फा और बीटा का गुणोत्तर माध्य दे रखा है अल्फा व बीटा का गुणोत्तर माध्य, यह जगह हमारा रूट ऑफ अल्फा बीटा होगा नहीं होगा, क्या जाएगा अल्फा बीटा। अब ये दे रखा तुम्हारा अल्फा बीटा तो क्या जाएगा अल्फा बीटा, इसका कितना दे गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है 5, दोनों पक्षों में भर कर दोगे तो अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना जाएगा 25 ठीक। द्विघात समीकरण क्या जाएगा, द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर यह जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योगफल होगा और ये मूलों का गुणनफल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 16, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया ठीक है। नोट कर लो, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो गया ये।